महात्मा गांधी पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1969 को, 2 अक्टूबर 1966 में पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात, पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में पैदा हुए थे। फिर ये इंग्लैंड चले गए, फिर इंग्लैंड में स्टडी करके आए, 1891 में वापस आए। फिर उन्होंने प्रैक्टिस की लेकिन फेल हो गए, राजकोट एंड बॉम्बे में इन्होंने प्रैक्टिस की लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छी वकालत चली पाई। फिर 1893 दो साल बाद इनको साउथ अफ्रीका से ऑफर आया कि वहाँ पे आप केस लड़ जाके, किसने बुलाया था, दादा अब्दुल्ला, तो दादा अब्दुल्ला ने इनको बुलाया कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में जब गए तो उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, आप तो अलग प्रजाति समझा जाता है, जो ब्लैक है ब्लैक रेस को बहुत डिस्क्रिमिनेशन, और इंडियन से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में ही रह के इनकी राइट्स के लिए लड़ूंगा। तो उन्होंने 1914 तक रहे और 1915 में आई थी, 9 जनवरी 1915, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस ही कब से मना रहे हैं, 2003 से मना रहे हैं प्रवासी, तो ये 8 से 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो आए थे 9 जनवरी को वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस। तो इनका इन्होंने सेटअप की थी नेताल इंडियन कांग्रेस साउथ अफ्रीका में, नेताल इंडियन कांग्रेस, और इन्होंने एक पेपर निकाला इंडियन ओपिनियन, इन्होंने एक पेपर निकाला इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में। और इनके दूसरा अखबार थे नवजीवन एंड यंग इंडिया, ये बाद में लिखवा लिया, यंग नवजीवन एंड यंग इंडिया, तो इंडियन ओपिनियन उनका पहला अखबार था कहाँ पे, अफ्रीका में, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी नेताल इंडियन कांग्रेस। फिर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो भी इंडियंस होंगे तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा साउथ अफ्रीका में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके चलना पड़ेगा 1906 में, ये इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फिर उन्होंने इंडियन माइग्रेशन के एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि साउथ अफ्रीका में जो भी लोग आएंगे, ये अफ्रीका है तो साउथ अफ्रीका में जो भी लोग आएंगे उसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। फिर उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म एस्टेब्लिश किया, टॉलस्टॉय की राइटिंग से काफ़ी प्रभावित थे गांधी जी, टॉलस्टॉय फार्म एस्टेब्लिश किया था, यहाँ पे सब लोग अपना अपना काम करते थे, कोई फार्म नहीं था, एक सब लोग अपना अपना काम करते थे, एक कम्युनिटी टाइप की थी। फिर कैंपेन अगेन इंडियन मैरिज एक एक्ट लेके आए जिससे सारी जो मैरिजेज हैं जो क्रिश्चियन धर्म के अलावा हो रही है वो सारी इनवैलिडेट हो जाएंगी। फिर उन्होंने वॉलंटियर एम्बुलेंस कॉप स्टार्ट किया, एम्बुलेंस कॉप इसके लिए ब्रिटिश आर्मी के लिए, इन ब्रिटिश आर्मी के लिए एम्बुलेंस कॉप स्टार्ट किया ब्रिटिश आर्मी के लिए कि क्योंकि जो लोग बोर वॉर में चला रहे थे, बोर वॉर साउथ अफ्रीका में हुआ था 1899 to 1900, जो भी घायल सोल्जर्स थे उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस कॉप्स बनाए, उसकी वजह से इनको केसरे हिंद मेडल दिया था, केसरे हिंद जो उन्होंने लौटा दिया था जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, केसरे हिंद ने यहाँ पे बनाया था बोर वॉर में मदद करने के लिए, जो होता है 1899 to 1902। गांधी के आने के बाद थर्ड मूवमेंट स्टार्ट था 1917 से 1947, तो इस बार महात्मा गांधी अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए इंडियन नेशनल मूवमेंट के, और ये काफ़ी इन्होंने नोवल मेथड्स लेके आए, इनके प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह इन्होंने ये यूज़ किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और इन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक मास मूवमेंट बना दिया इंडिया में, तो मास मूवमेंट अगर बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सत्याग्रह एक पैसिव रेजिस्टेंस है और सिविल डिसऑबिडियंस, सिविल डिसऑबिडियंस उन्होंने बोला ट्रुथ पे फोकस करेंगे, इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ एंड ट्रुथ फोर्स के लिए काम किया सत्याग्रह में, ट्रुथ फोर्स एंड तो बोला पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसऑबिडियंस के लिए काम करेंगे सत्याग्रह में। सत्याग्रह ये बेस्ड था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पे, तो उन्होंने बोला सत्याग्रह को सबमिट करना चाहिए अगर उन्हें लगता है कि क्या गलत है, और एक ट्रुथफुल रहना चाहिए और नॉन वायलेंट एंड प्योर रहना चाहिए, तो सच फॉलो करना है और रॉन्ग का साथ नहीं देना है, और नॉन वायलेंट और फियरलेस रहना है, बिल्कुल निडर रहना है। उन्होंने बोला कि एविल को, एविल के सामने कभी भी झुकेगा नहीं, और वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज, कितना भी कॉन्सिक्वेंसेज आए लेकिन कभी भी एविल के सामने झुकेगा नहीं, एंड सारी सफरिंग को एक्सेप्ट करेंगे इन स्ट्रगल अगेंस्ट द एविल डूअर, एंड सफरिंग वॉज अ पार्ट ऑफ लव फॉर ट्रुथ, एंड ये पार्ट है ऑफ द लव फॉर ट्रुथ। एंड उन्होंने बोला कि सत्याग्रह लव करेगा एविल डूअर, एविल जो गलत कर रहा है उसको भी कभी नफरत नहीं करेगा, एंड ब्रेव एंड स्ट्रांग होगा, ब्रेव एंड स्ट्रांग चाहिए सत्याग्रही को, कोई वीक जो है वो इसे फॉलो नहीं कर सकता, इवन वायलेंस का भी मतलब है कावड़ेस हो, कायर हो, मतलब पहले गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की तरह ही साबरमती आश्रम स्टैब्लिश किया, वहाँ पे रहने लगे, गुजरात में पूरे इंडिया में भ्रमण किया, फिर चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। किसने इन्वाइट किया था, राजकुमार शुक्ला ने, राजकुमार शुक्ला ने इन्वाइट किया था इंडिगो प्लांटर्स के लिए, चंपारण सत्याग्रह किया इंडिगो प्लांटर्स, तो सिंथेटिक डाई बनने की लगी थी कहाँ पे, जर्मनी पे, तो अब इंडिगो का कोई यूज़ नहीं था तो इससे इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो जो ब्रिटिशर्स थे तो तीन कठिया सिस्टम चलाते थे, तीन कठिया मतलब 3x20 लैंड पे आपको इंडिगो उगाना ही पड़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट्स और इलीगल ड्यूज ले रखा था किसने, यूरोपियन प्लांटर्स मांग रहे थे, एक तो फ़ायदा नहीं आ रहा था, उसके बाद हाई रेंट और इलीगल ड्यूज मांग रहे थे,
एंड पीजेंट को फोर्स किया जाता था कि इंडिगो उगाओ और बेचो ऐसे जो प्राइस पे जो हम आपसे बोल रहे हैं। तो ये सब था, इसके अगेंस्ट चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो गांधी ने बोला कि हम चंपारण को हम क्या करेंगे, चंपारण गए, उन्होंने बोला कि हम एरिया को प्रोब करेंगे, क्या दिक्कत है। तो चंपारण से बोला कि आप, अथॉरिटी बोला चंपारण नहीं एंटर कर सकते, लेकिन गांधी ने ऑर्डर डिफाई कर दिया कि हम तो सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे। ये एंटर कर गए। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई भी पनिशमेंट हो आई विल फेस इट। फिर पैसिव रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस, पहला एक नोवल मेथड था, अभी तक इंडिया में यूज ही नहीं हुआ था। तो महात्मा गांधी अथॉरिटीज मान गए, रिलेंटेड एंड परमिटेड महात्मा गांधी टू मेक एन इंक्वायरी। बोले ठीक है आप इंक्वायरी कर लो अपन चंपारण में। और गवर्नमेंट ने कमेटी अपॉइंट की एंड महात्मा गांधी को भी मेंबर बनाया, चंपारण के लिए कमेटी बनाई गई, महात्मा गांधी भी उसमें मेंबर थे। तो गांधी ने बोला जो 3 कठिया सिस्टम है 3/20, ये अबॉलिश किया जाना चाहिए, और जो भी इलीगल ड्यूज हैं जो भी लिए हैं लोगों ने वो वापस कर देना चाहिए। तो बोले चलो पूरा मत करो, 25% वापस कर दो। पीजेंट्स को 25% के लिए मान गए, तो मनी जो लिए इसका 25% वापस कर दो। विद इन द एक डेकेड 10 साल के अंदर तक सारे प्लांटर्स थे इंडिगो प्लांटेशन के लिए, वो सारे भाग गए इंडिया से। 1817 में जो हुआ था, 1917 में जो हुआ था, वो था फर्स्ट सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। कहाँ पे होता है, चंपारण बिहार। तो फर्स्ट सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, फिर फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट हम लॉ नहीं मानेंगे, सिविल डिसऑबिडियंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम कॉपरेट नहीं करेंगे। तो ये था 1918 में खेड़ा। ये लगान वाली स्टोरी थी, लगान मतलब पूरी फसल नष्ट हो जाए लेकिन फिर भी डिमांड कर रहे हैं। ऐसा था कि 100, अगर 100 फसल होती है तो भी उतना ही लगान दो, और अगर 30 फसल होती है, सपोज बाढ़ आई तो भी उतना ही लगान दो, सपोज 40 तो 40 ही लगान दो, कैसे कह सकता है ये फार्मर। तो कोई भी माफ़ी नहीं जाते थे। तो ड्रॉट 1918 में आया, 1918 में आया तो जो यील्ड थी वो 1/4 से भी कम थी, लाइक 25% से भी कम थी यील्ड। तो फार्मर्स बोलते रेमिशन चाहिए। तो रेवेन्यू कोड में लिखा था कि अगर 1/4 से कम हो यील्ड, रेवेन्यू कोड में लिखा था अगर 1/4 से यील्ड कम हो तो उस टाइम आपको रेमिशन मिल जाएगा, आपको नहीं देना पड़ेगा। तो अथॉरिटी से बोला हम रेमिशन नहीं देंगे, अथॉरिटी से बोला आपको पैसे देने पड़ेंगे। एंड जो गांधी ने बोला कि आप रेवेन्यू मत दो, गांधी ने सपोर्ट किया पीजेंट्स को कि आप रेवेन्यू मत दो। फिर इसी टाइम राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं गांधी से, ये खेड़ा सत्याग्रह में। एंड मेन यंग लिस्टर सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और इंदुलाख याग्निक, ये राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं ना चंपारण में, एंड सरदार पटेल मिलते हैं खेड़ा में गांधी से। एंड इंदु याग्निक, ये गांधी के फॉर्मूले बोलते हैं, इंदुलाल याग्निक एंड सरदार पटेल यहाँ पे खेड़ा में इनके फॉलोअर बन जाते हैं। एंड चंपारण कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद। 1918 में ही अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक होती है खेड़ा सत्याग्रह के बाद। तो पहले खेड़ा, फिर पहले होता है चंपारण, अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह, तो तीन होती है। तो अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक होती है 1918 की, तो इनकी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, पहली बार हड़ताल पे बैठे थे। तो इन्होंने मिल ओनर थे जो अहमदाबाद में, पूना में प्लेग फैल रहा था, जो सॉरी अहमदाबाद में प्लेग फैल रहा था, अहमदाबाद गुजरात में। तो वो बोलते थे प्लेग बोनस दो, तो उन्होंने बोला जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने प्लेग बोनस उनका खत्म कर दिया। तो वहाँ पे स्ट्राइक होकर ने बोला 35% हमारे वेजेस इंक्रीज करो। तो जो मिल ओनर थे उन्होंने बोला सर हम 24 करेंगे, एंड गब्बर का चाहता 35%। तो गांधी नॉन वायलेंस स्ट्राइक पे बैठ गए, फास्ट अन टू डेथ। तो फास्ट अन टू डेथ पे बैठ गए गांधी जी, एंड फिर 35% इस इंक्रीज मान लिया गया अहमदाबाद मिलन स्ट्राइक में 1918 में। तो तीन चीज़ें हुई, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा केक। तो चंपारण में क्या था, फर्स्ट सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट था। अहमदाबाद में था ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, खेड़ा में था फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। खेड़ा में लगान वाली टाइप की चीज़ थी, चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन एंड अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक।